हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज मन्ना एंड दिस इज़ आर डे 2 out of 30 जो अपन ने टारगेट लिया है फॉर द IBPS PO मेंस रेगुलर. होप सो आपने कल जो टारगेट वाली फर्स्ट डे फर्स्ट वाली वीडियो थी वो कंप्लीट कर ली होगी. आज डे 2 है. आज अपन को क्या करना है, जुलाई वीक 1 और 2 कंप्लीट हो गया है, जुलाई वीक 3 and 4 कंप्लीट करना है, और उसके अलावा जो वीक 1 और 2 लगाया है कर किया है कल, आज उसका मॉक टेस्ट लगाना है. जस्ट बिकॉज मॉक टेस्ट इज अ टाइप ऑफ रिवीजन, यू कैन से दैट. ठीक है, तो वो आपको लगाना है. अगर आपको लगता है कि हेक्टिक ज़्यादा हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट अभी रहने दो. एक बार ना थर्ड एंड फोर्थ वीक करने से पहले उनका ओवरव्यू ले लेना, और अपना ना 20 दिन में ये 4 महीने हो जाएंगे. अगर डेली अपन एक इसी मंथ को 3 या 4 दिन भी देंगे ना, तो 15 से 20 दिन में अपने मंथ कंप्लीट हो जाएंगे. फिर लास्ट 10 डेज अपने फर्स्ट रिवीजन के होंगे, तब मॉक टेस्ट लगा लेना. ओके, उसके बाद में एडिटोरियल की क्लास आज आएगी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ संडे. संडे ही है ना आज? हाँ, सो आज नहीं आएगी, आई एम सॉरी. तो YouTube से आप कोई भी पहले वाला एडिटोरियल कर लेना. आपने कोई अगर कोई सोर्स है आपके पास जहाँ से आपको एडिटोरियल मिलता हो, तो पहले का एडिटोरियल एक बार रीड कर लेना. इट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश एंड जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर, दोनों के लिए वो काम आता है. फिर क्वांट एंड रीजनिंग, होप सो आप कर रहे होगे. क्वांट एंड रीजनिंग को भी पीछे मत छोड़ना. आई नो वेटेज जो है जी और इंग्लिश की कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग में भी कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हॉल से बाहर निकल रहे हैं और लग रहा हो कि कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी. बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्वांट रीजनिंग में कट ऑफ तक के क्लियर होने के लाले पड़ जाते हैं, सो वो भी मत होने देना. तो क्वांट और रीजनिंग, जैसे क्वांट में मैंने बताया था PDF है, गाइडली की PDF से आप, मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिए थे उनमें से, जैसे डाटा सफिशियंसी के Quantity 1, Quantity 2 के क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको करके जाना. सेम इन द सेंस रीजनिंग में है. रीजनिंग में जैसे वो यही डाटा सफिशियंसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना 7-8 नंबर दोनों में सिक्योर हो सकते हैं इन्हीं 2-3 टॉपिक से, तो ये प्लीज करके जाना. उसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए एक सेक्शनल मॉक लगाना है. कल जैसे मैंने बताया था आपने लगाया होगा मॉक टेस्ट इंग्लिश का, सेक्शनल बहुत जरूरी है. अब बात कर लेते हैं एडिटोरियल की. देखो सॉरी एडिटोरियल नहीं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव की. डिस्क्रिप्टिव के लिए काफ़ी मेरे पास डाउट्स थे कि कैसे करना है क्या करना है, तो एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ, फिक्स लाइंस पे बहुत कम जाना. जैसे कि मैं उस चीज़ को अप्लाई कर चुकी हूँ और बहुत बहुत बुरे पीटोगे, ठीक है, उस चीज़ के साथ मत जाना. आपको जो टॉपिक्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे, मेरे तमन्ना चौधरी के नेम से टेलीग्राम है, उसमें शेयर कर दूंगी. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, लेटर ऐसे जो भी मुझे जहाँ भी मिलेगा, आप वो रीड करके जाना. और एक चीज़ इसमें ना 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं बता देती हूँ. मेरे को लगता है डिस्क्रिप्टिव की मैं इसके बाद ना एक बड़ी पूरी वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगी, जैसे किस स्टूडेंट को कितनी करनी चाहिए. अगर आपकी जैसे टाइपिंग अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, ग्रामर नहीं अच्छी है, टाइपिंग नहीं अच्छी है, तो आपको कब कैसे करना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना दूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आज के टारगेट्स यही हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई एम थिंकिंग, प्लीज टेल मी टेलीग्राम के जो कमेंट सेक्शन है उनको ऑन करूँ या नहीं करूँ. जस्ट बिकॉज मेरे लिए वो हैक्टिक हो जाएगा और मैं इतना अभी नहीं ले सकती हूँ. जस्ट बिकॉज आई हैव ऑल्सो माई स्टडी एंड लाइफ उसके साथ में, ठीक है. इससे अगर आपको हेल्प हो रही है और ये इनफ है ना, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अदर देन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो एंड विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको रिप्लाई करूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, टेक केयर, बाय.